देखो मोल कंसेप्ट पे हमने स्टार्टिंग कर दी थी, और हमने मोल के बारे में दो फॉर्मूले देखे थे। मोल का हमने क्या देखा था, दो फॉर्मूला देखा था। ओके, तो हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड मोल कंसेप्ट, और मोल के हमने रिलेटेड टू मोल्स हमने दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, समझे थे। एन को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास दैट वी रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहें या मोलर मास कहें, ये चीज हमने देख ली थी। बात क्या होती है, एक ही होती है। तो पहला फॉर्मूला था आपका ये, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला था वो हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में देखा था। तो हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला था, ठीक है। और यही दो फॉर्मूले पे आपके मेजरली जो क्वेश्चंस थे डीपीटी में, वो इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। अभी मैं जो क्लास ले रही हूँ वो मैं अपने ही फोन से ले रही हूँ, तो फिर मैं ना अभी वो क्वेश्चंस नहीं देख पा रही हूँ। तो जब मैं आपके स्क्रीन पे क्लास लूंगी तब मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। वैसे भी एक दिन का मैंने टाइम दिया था वो क्वेश्चन करने को, तो हम कल डिस्कस कर लेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम इस पे मैं और भी क्वेश्चंस दूंगी, वो आप हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे जो एन था वो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स मैंने क्या बोला था, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके एटम्स, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल हो सकते हैं क्या आपके आयंस, क्या आयंस भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आस्क। और जिस पार्टिकल को आप निकालोगे, ये जो पार्टिकल गिवन रहेगा मोल्स भी उसी का निकलेगा, ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ एटम्स है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी किस टर्म्स में निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अगर एन मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगर एन आयन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स, एंड सिमिलर फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सारी हमारी कल की बातें थी, ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो मैंने कल एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट को मैं फिर से बनाऊंगी, और उस फ्लो चार्ट को थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे। अब बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने भी एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि सीओ टू की बात करूं मैं, तो सीओ टू में कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन सीओ टू इज 3, नंबर ऑफ एटम्स इन H2 इज 2, नंबर ऑफ एटम्स इन O3 दैट इज ओजोन इज 3, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO4 इज व्हाट, 7। तो ये जो 7 3 2 3, ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलैरिटी या फिर एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी, वो कितने एटम से मिलके बना हुआ है, ये होता है हमारा क्या इसका मतलब, ठीक है। तो हम अब देखो इतना समझ में आ गया एटॉमिसिटी क्या होता है। अब देखो हमने जो कल फ्लो चार्ट बनाया था उससे आगे फ्लो चार्ट में मैंने क्या बोला था, तो दूसरे टेन से करती हूँ। हमने देखा था कि नंबर ऑफ, अगर हमें मास गिवन है, अगर हमें मास गिवन है और हमें मोल्स निकालना है, ठीक है, मास गिवन मोल्स निकालना, तो हम क्या करेंगे, और या फिर हम क्या, हमने क्या देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से हमें एटम्स निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकाल, उसी को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब देखो नंबर हमें मास से मोल्स निकालना है, तो गिवन मास अपॉन क्या करते थे, मोलर मास करते, तो
तो क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास। और अगर मोल्स से मास निकाल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, ये तो कल वाली ही बात है, ठीक है। अगर हमें मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम मोल्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एनए से, क्योंकि हमें पता है एन बाई एन ए ही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, निकालना हमें ये एन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाई एन, ठीक है। अब देखो, अब हमें मॉलिक्यूल से एटम्स निकालना है, तो मैंने अभी एक टर्म बताया था क्या, एटॉमिसिटी, ठीक है। मॉलिक्यूल से हमें एटम्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एटॉमिसिटी, ठीक है। और अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स निकालना है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पता है और हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिसिटी, ठीक। समझ में आई अपनी बात। अब देखो, पार्टिकल्स में मैंने क्या बोला था, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे नंबर ऑफ, एक मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, या फिर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, या फिर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये तीनों चीजें निकालनी है तो मैं क्या करूंगी कि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, उसको नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, और मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, एन को क्या करूंगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन में, एक मॉलिक्यूल में मान लो एक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 10x इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर वाई प्रोटॉन्स है तो कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल में 10 वाई प्रोटॉन्स, और अगर जेड न्यूट्रॉन्स है तो कितने मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, एन जेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बात समझ में, ये था आपका जो भी आप दो क्लास में पढ़ते आए हो उसका पूरा ये समराइज। महक, एक मॉलिक्यूल में, चलो मैं लेती हूं एक मॉलिक्यूल O2 का, O2 में मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक में 8 होते हैं तो O2 में 16, ठीक है। और क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है इसलिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 O16 होता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 होते हैं, एक एटम में, तो दो एटम में कितने होंगे, 16। इतनी बात क्लियर है सबको, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ऐसे ऐसे 6×10^11 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, अब मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अगर मैं इसको मान लेती हूँ x, तो ये क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा, 16×x, ये क्या हो जाएगा, 16×x, और ये भी हो जाएगा 16×x। आई बात समझ में, यही बात मैं बोल रही थी, मल्टीप्लाई कर दोगे जितने एक एटम में या एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आगे बात समझ में, अब देखो ये बना लिया सबने, तब कर दो, नहीं बनाया बना लो एक बार, चलो एक मिनट में बना लो जल्दी से, पर जल्दी से बनाओ। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अब जो हमने ये दो क्लासेस में पढ़ा है ना, आज उसके ऊपर देखना इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपके मेंस या एडवांस में पूछे गए, मैं इधर आ जाता हूँ।
ठीक है, जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन। हेलो, हो गया? अब जितना भी हमने पढ़ लिया है ये इनफ है आपके मेंस और आपके नीट के क्वेश्चंस के लिए, दिस इज इनफ। ठीक है, और इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने जितना पढ़ा है हम उस पर ही बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था, मोल को कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले होते हैं, अभी हमने सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़े हैं, तीसरा फॉर्मूला हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये जो दो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? देखो मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स? अरे मैं वो नहीं पूछ रही, डेफिनेशन ही पूछ रही, मेरे को बता दो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, ओम आउट योर वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे इसके मास। ठीक है, ये क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसलिए हमें इसका मास और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये हमें पता होना चाहिए। मैं ये बात बोलूंगी कि ये बात तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, और कोई चारा नहीं। ठीक है, जैसे आप नाम याद करते हो लोगों का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास याद करो। ठीक है, ये होता है 9.1 × 10⁻³⁻³। ठीक है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और इसका भी उतना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चार्ज पे। चार्ज कितना होता है इस पे, आपको सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और कितना होता है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इस पे होता है प्लस चार्ज और बराबर होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, इसलिए इस पे होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये एक आपका बन गया। नोट्स सब लोग अच्छे से बना रहे हो ना, क्लियर नीट एंड क्लीन नोट्स? नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, कि अगर कभी पढ़ने का मन भी ना करे ना तो भी नोट्स देके पढ़ने का मन करने लगे। ठीक है, गंदे नोट्स नहीं बनाना आपको, क्योंकि ये नोट्स आपके 11th 12th में काम आने, 12th में भी काम आने, क्योंकि आपने पेपर तो 2 साल बाद देना है। ठीक है, इसलिए अपने नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना। चलो, ये तो आपकी ही याद करने वाली बात। अब देखो, हम अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे के बेस पे जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आई एम अगेन टेलिंग यू कि जो कि नीट और मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कैलकुलेट चार्ज ऑन कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अभी हमने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मैंने आपसे पूछा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चलो बताओ फटाफट। यस, वेरी गुड, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एन ए, लेकिन मुझे प्लीज अभी सॉल्व करके भी बता दो। ठीक है, सॉल्व भी करना है क्योंकि यहाँ पे एक जो वैल्यू आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बताया है ओम ओझा ने। ठीक है, देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो चार्ज ऑन
Na इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 96500। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है 96500, इसको एक हम स्पेसिफिक क्वांटिटी मानते हैं और इसको बोलते हैं 1 फैरेड। कभी भी कोई पूछे 96500 कूलम मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू 1 फैरेडे और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं 1s। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा तो 1 फैरेडे चार्ज। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैज कितना चार्ज 1 फैरेडे चार्ज। ठीक है, जो माइकल फैरेड थे उन्होंने ये बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे जिन्होंने फिजिक्स में बहुत सारी आप इनके बारे में पढ़ोगे तो इन्होंने ही ये इन्वेंट किया था, ये बताया था, इनके नाम से ही बना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे 1 फैरेडे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो कूलम में ही होगा और इसकी वैल्यू होगी 96500 कूलम। ठीक है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फैरेडे चार्ज। माइनस में क्यों होगा बेटा आंसर, ये माइनस 19 ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है तो माइनस में तो हो नहीं सकता, ये तो 10 का पावर 4 हो जाएगा ना और 1.6 इंटू 6 माइनस में कैसे हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि सोडियम एटम को, हमारे पास एक सोडियम एटम है, नहीं हमें चार्ज माइनस में रहेगा लेकिन चार्ज क्या है, एक क्वांटिटी है, कभी भी क्वांटिटी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का है तो वो तो अंडरस्टूड है कि माइनस चार्ज होगा इस पे। हाँ मूवी करके करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यही आनी आपकी। ठीक है, चार्ज की जो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर इसके स्पेसिफिक चार्ज पता है तो वो तो चार्ज आपको माइनस पता ही है। ठीक है, क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो मुझे एक बात बताओ अब कि सोडियम एटम है, वी हैव वन सोडियम एटम, तो सोडियम एटम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। वी हैव वन सोडियम एटम, तो एक सोडियम एटम को एक सोडियम आयन बनने में कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। पर गुड, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तब जाके सोडियम एटम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में। अब मेरे पास अगर 1 मोल सोडियम एटम है, इफ आई हैव 1 मोल Na एटम, तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा 1 मोल Na प्लस आयन बनाने के लिए। एक था तो एक था, 1 मोल था तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1f। ठीक है, पर वेरी गुड, इट इज इक्वल टू 1 फैरेड। ठीक है, मतलब अगर मुझे 1 मोल Na एटम से 1 मोल Na आयन बनाना है तो 1 फैरेडे का चार्ज लूज करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट लिखो, कैलकुलेट चार्ज इन फैरेडे इन दी फॉलोइंग So we have first 0.2 mole Mg plus 2 ion, 1.5 mole Al plus 3 ion,
0.6 मोल सल्फेट आयन, सल्फेट आयन इसको बोलते हैं SO4-2। चलो बताओ तीनों को देखो, पहला करते हैं। अगर एक एमजी एटम होता तो एक एमजी एटम को एक एमजी आयन बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ता, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? तो अगर एक मोल होता तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन, अगर इतना मोल है तो 0.2 × 2 फैराडे, ठीक है, कितना हो गया 0.4 फैराडे चार्ज इसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक मोल एल्यूमिनियम आयन होता उसके ऊपर कितना चार्ज होता, कितना लूज करना पड़ता है इसको, 3 फैराडे। अगर 1.5 है तो सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक मोल होता तो उसको कितना चार्ज लूज करना पड़ता, 2 फैराडे। तो अभी इतना है तो 0.6 है। क्लियर है सबको? कोई टफ चीज तो नहीं है, बहुत इजी चीज पूछ रही हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ एक नया वर्ड सीखा है और उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर लिया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहां की आप 96500 कूलम बार बार लिखते, आपने उसको फैराडे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज नहीं सॉरी चार्ज तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, कैलकुलेट मास ऑफ मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, अब वो तो 1 फैराडे ही होगा, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, हमें क्या पूछ रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा है, सिंपली कैलकुलेट कर। क्योंकि जो पूरा मोल कंसेप्ट है उसमें ऐसे ही कैलकुलेशन आएगा, तो स्टार्टिंग से अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो आपको बाद में जाके अगर कैलकुलेशन ज्यादा भी करना पड़े तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेजल वेरी गुड, ओम आहुजा वेरी गुड, निखिल वेरी गुड, ठीक है, सबने इसका सही बताया है। इशिता नहीं गलत है, मैं बताती हूँ। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। एनी इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या हो जाएगा, 9.1 × 10⁻³⁻³ × Na = 6 × 10⁻²³। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 54.6 और ये आ जाएगा × 10⁻⁸⁸ किसमें, केजी में, ठीक है, आगे बात समझ लो, दिस इतना केजी। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, ठीक है, आगे सबको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन 3 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस 1 केजी, दिस इज द क्वेश्चन, कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन का होगा जिसका वेट कितना होगा 1 केजी, ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें मास, ठीक है, आपको मोलर मास भी पता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो सॉल्व करके बताओ, देखो गिवन मास क्या है, 1 केजी,
मोलर मास आपको इलेक्ट्रॉन का करता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एन ए क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू एन ए, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23। ये अभी अभी आपने सॉल्व किया था, कितना आया था 54.6 इंटू 10 रेस टू पावर -8 केजी। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स आपका आ जाएगा कैसे, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 54.6 इंटू 10 रेस टू पावर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, दूसरा क्वेश्चन है ये, इसे मैं लिख देती हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन बेस 200 ग्राम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन बेस 200 ग्राम। देखो वहां पे केजी में था तो हमने दोनों यूनिट जो मोलर मास की यूनिट थी और गिवन मास की यूनिट थी दोनों ही हमने केजी में ली थी, यहाँ पे ग्राम्स में वेट गिवन है तो आप नीचे जो मोलर मास लोगे वो भी किस में लोगे, ग्राम्स में लोगे। ठीक है, सॉल्व करो, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास क्या होगा, ये गिवन मास है हमारा 200 ग्राम, मोलर मास क्या होगा, एक प्रोटॉन का मास किसमें, ग्राम्स में इंटू एन ए, तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 का पावर मैंने क्या लिखवाया था -27 केजी, तो -27 केजी ग्राम्स में कितना हो जाएगा -24 ग्राम्स। ठीक है, इंटू एन ए, एन ए क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 23। क्लियर है इतना सबको, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है। अब देखो 1.67 यहाँ पे हमें क्या सीखना है, अप्रोक्सीमेशन सीखना है थोड़ा, तो ये 1.67 क्या लिख सकती हूँ मैं, 10/6 लिख सकती हूँ, 10/6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23। किसी को कोई दिक्कत, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -23 और ये 10 का पावर 23, ये सब करके क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा 200। कैलकुलेशन हमें इजी करनी है। ठीक है, ओके ग्रेसी, अरे मुझे वो नाम देखना है ना उसमें, हाँ 10/6 1.67 1.66 को हम 10/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि मान लो 3/4 लिखा है, अगर 0.75 लिखा है तो 0.75 को हम अप्रोक्सीमेटली, अगर हमें फ्रैक्शन का ही कट रहा है तो उसको 3/4 लिख लेते हैं, 1.67 को हम 10/6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 6 दिख रहा है, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा आपको कहाँ क्या चीज देखनी है। इसीलिए आज की क्लास में हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं जब से हमने स्टार्ट किया क्लास। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक, आगे बढ़े, चलो हाँ लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों से, क्या बोला था कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप बताना, H2SO4 वाला क्वेश्चन था, याद आया किसका बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ इसको 200 मोल लिख सकते हैं, वो क्या है, वो तो एक यूनिट है। अब बताओ एक दर्जन केला क्या होता है, कितना होता है, एक दर्जन केला कितना होता है, 12 केले होते हैं। ठीक है, तो केला कोई यूनिट थोड़ी ना है, यहाँ पे भी हम ये एक नंबर है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 200 मोल, मोल को ये शॉर्ट फॉर्म में ई हटा देते हैं, MOL लिखते हैं। क्लियर है सबको, और क्वेश्चन करें, देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
इसका सेकंड है पार्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन. इसका तीसरा पार्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन कैल्शियम कार्बन. क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो 2 मिनट ले लो, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो. नेहा कुमारी बिल्कुल सही जवाब, सेजल सही जवाब, नंबर ऑफ मोल सबका सही है. ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर लेती हूँ. कर लूंगी सॉल्व. हमारे पास क्या था, 200 ग्राम क्या था कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब हमारे पास गिवन मास क्या था 200 ग्राम. मोलर मास आपने इसका कैलकुलेट भी किया होगा और इससे पहले भी कैलकुलेट किया होगा, यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस 60 कितना 100. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 2 मोल. 2 मोल किसका, कैल्शियम कार्बन. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जब आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इतना मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, एक कैल्शियम होता है, एक कार्बन होता है और 3 ऑक्सीजन है, तो उतना ही जितना मॉलिक्यूल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2Na, ये क्या हो जाएगा 2Na और ये क्या हो जाएगा 6N. क्लियर है इतना सबको, यहां तक क्लियर है? अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के पास देखते हैं, पहले कैल्शियम के पास देखते हैं, फिर कार्बन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. चलो कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी से बताओ, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20. वेरी गुड. ठीक है, और प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स भी 20 होंगे, और सिंस उसका मास कितना 40 होता है तो ये भी 20. ठीक है, कार्बन की बात करते हैं तो 6C12, तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 × 3 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, 8 × 3 हो जाएगा और ये भी 8 × 3 हो जाएगा. ठीक है, आगे बात समझ में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 20 + 6 = 26 + 24 कितना हो जाएगा 50. किसका एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या हो गया आपके 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 प्रोटॉन्स एंड 50 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, क्लियर है सबको? अब एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने सारे कैल्शियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2Na × 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब 100Na इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं, प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स. क्लियर है सबको? अब कोई भी क्वेश्चन गिवन रहेगा और आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा जाएगा टोटल, वो निकाल सकते हो. समझ में आ गया ये? ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, अब जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताओगे. पर नहीं आया आपको, आ गया या नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, पहले नो बोला फिर. देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो एक कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा. आपको एटॉमिक नंबर आपने 10th क्लास में भी याद किया होगा, नहीं याद किया तो याद कर लेना. ठीक है,
एटलीस्ट 40 तक तो याद ही कर लेना। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक वो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि उसका मास क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। कार्बन के ये क्या है, 20 Ca40, ये क्या होता है, 6C12, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस करके हमारा क्या आ गया, 6। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम CaCO3 की बात कर रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 × 3, क्योंकि ये क्या होता है, 8C8O16, और प्रोटॉन भी बराबर हो जाएगा, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 - 8, तो 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितना हो जाएगा, 8 × 3। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट में, 50 इलेक्ट्रॉन टोटल, प्रोटॉन कैलकुलेट कर लिया 50 प्रोटॉन, और टोटल न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिया 50 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में कितना होता है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना, 2Na मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 50 × 2Na, मतलब 100Na इलेक्ट्रॉन, 100Na प्रोटॉन, क्योंकि तीनों बराबर ही है, और 100Na न्यूट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें नो इफ बट आपने खुद से सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी आपको, 2 मिनट लगे सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ये नोट करिए, सबने बता दिया इसको, लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, क्वेश्चन क्लियर है सबको, 1.6 ग्राम मीथेन में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, चलो जल्दी से करो, 2 मिनट देखो, गिवन मास हमें 1.6 ग्राम, CH4 का मोलर मास हमें पता है कितना हो जाएगा इसका, 12 + 4 = 16, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 1.6 / 16, दैट इज 0.1 मोल, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कार्बन में कितने हैं, इसके 6, क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन में कितने हैं, प्लस एक हाइड्रोजन में 4, तो फिर 4 × 1 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट है, तो एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मीथेन में कितना हो जाएगा, 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 10 × 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो गया, Na इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है सबको। एक और क्वेश्चन करो, अब जब आज आपने क्वेश्चन कर लिया है ना, आज मैंने क्वेश्चन जो करा लिया है, फिर आप डीबीटी के क्वेश्चंस करना, जिसके क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि इनके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, तो आज आपकी इनफ प्रैक्टिस हो गई है, आज जाके फिर से डीबीटी सॉल्व करना, आपके मोस्ट प्रॉबली 12 और 17 को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। आज बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने, अभी और करेंगे, ठीक है, जब तक 10 मिनट है अभी। लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज, इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, नाइट्रोजन
नहीं, गलत जवाब। निखिल, फ्रक्टोज ग्लूकोज एक होता है, सुक्रोज और शुगर एक होता है। अंशी, वेरी गुड। नेहा कुमारी, देखा लड़कियों ने सही जवाब दिया है, पहले बाद में लड़के आए। सुकन्या, नहीं, C6H12O6 is glucose or fructose. Sucrose and sugar has same formula. So sucrose is C12H22O11. याद रखना ये NG में। चलो सॉल्व कर, दो मिनट। मोलर मास क्या आया है इसका? मोलर मास बताओ। मुझे वेरी गुड, 342 इसका मोलर मास आ गया। हमने क्या करना है, सिंपली इसको ग्राम में, हाँ ये ग्राम में, तो ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करेंगे कन्वर्ट। कैसे? इनटू 10^-3 कर। नहीं निकल जिंदर, 0.02 तो आएगा, लेकिन 10^-3 भी तो करना है, वो तो आप भूल ही गए क्योंकि ये मिलीग्राम में गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था, ऊपर और नीचे के दोनों यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये एनजी में है तो ये भी एनजी में ले लो, लेकिन ये एनजी में लेने का कोई फायदा नहीं है, मोलर मास है ये तो। ठीक है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना हो जाएगा, 6.84 × 10^-3 ग्राम, और कितना है 342 ये है, तो ये इसमें कटेगा किसमें, 0.02 में, तो आपका आ जाएगा 0.02 × 10^-3। ठीक है, और अगर इससे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो n क्या हो जाएगा, 0.02 × 10^-3 × n, ये क्या हो गए, इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे तो क्या है, C12H22NO11, तो कितना हो गया टोटल, कितने एटम्स प्रेजेंट है इसमें, 12 + 22 + 11 कितना हो गया, कितने एटम्स है टोटल बोलो, 45। ठीक है, 45 होगा, कैलकुलेशन प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करनी है एटलीस्ट। ठीक है, प्लस माइनस नाम में मिस्टेक नहीं करनी है, 45 एटम्स हो गए टोटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 45 × 0.02 × 10^-3 × n, इतने एटम्स। और अगर इसका पता करना है नंबर ऑफ कार्बन का करना होगा तो 12 × 10। ठीक है, ये वैल्यू मैं मान लेती हूँ ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 12 × a। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 22 × a। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 11 × a। ठीक है, लिखो, व्हाट वेट ऑफ मीथेन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वेट ऑफ मीथेन दिख रहा है सबको, क्लियर है, ब्लर तो नहीं आ रही वीडियो, व्हाट वेट ऑफ मीथेन शुड बी टेकन should be taken that it contains 12 × 10^24 atoms of hydrogen। क्वेश्चन समझ में आया, हमें कितना वेट मीथेन का निकालना होगा ताकि इसमें जो टोटल हाइड्रोजन एटम बचे वो इतने हो, 12 × 10^24 atoms।
कितना वेट ले ताकि इसका जो वेट आ जाए वो इतना आ जाए 12 into 24। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नहीं नेहा, इट्स नॉट 8। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सबके अलग अलग। हमें कितना वेट मीथेन का लेना चाहिए ताकि उसमें जो एटम्स है हाइड्रोजन के वो इतने हो जाए, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये CH4 की बात कर रही हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना आया, 12 into 10 का पावर 24 अपॉन कितना Na, तो ये क्या हो जाएगा 6 into 10 का पावर 23। 6 into 10 का पावर 23 कितने मोल्स हो गए इसके, 20 मोल। 20 मोल हो गए। अगर इसके 20 मोल हो गए तो कितने मोल हो जाएंगे आपके इसके, देखो ऐसे समझो, ग्राम ऑफ मीथेन मतलब क्या होता है, 1 मोल मीथेन। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब 1 मोल मीथेन होता है, होता है कि नहीं होता, मतलब Na मीथेन मतलब क्या हो जाएगा, 4 Na हाइड्रोजन एटम्स। सॉरी ये 12 नहीं, हाँ चलो ये मैंने 2.4 देना था, चलो कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी, मैंने 2.4 देना था, मैंने गलती से 12 दे दिया। आपका आंसर सही है, आई एम सॉरी। फोर एन ए मतलब कितना हो गया, 4 मोल हो गया, और इसमें कितना मोल आया था हमारा, 20 मोल आ रहा है। 20 मोल हाइड्रोजन का क्या मतलब है, 5 मोल किसका, मीथेन का, CH4 का। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, मोल से हम क्या करेंगे, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 80। ठीक है, 80 इज द राइट आंसर। देखो इतने सारे एटम्स हैं आपके हाइड्रोजन के, मैं बता रही हूं आपका हाइड्रोजन का जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है आपको, आप है कि कितना मास होगा किसका, मीथेन का। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे और मास, नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो और मास पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाला हमने कैसे, इतना 12 into 10 का पावर 24 by 6 into 10 का पावर 23, इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 20 मोल। ठीक है, 20 मोल किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो अगर 1 मोल मीथेन में 4 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितना मीथेन होगा, 1/4 मोल, और 20 मोल हाइड्रोजन में कितना होगा, 1/4 into 20 मीथेन मतलब कितना, 5 मोल मीथेन आ गया हमारे पास। तो जब 5 मोल मीथेन है हमारे पास, ठीक है, और हमें 5 मोल मीथेन का मास पता करना है, तो 5 into 8 मोल, 1 मोल मीथेन का मास दैट इज 16, तो 80 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, अभी आपका आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से जो स्टार्ट करेंगे, कल भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम तीसरा जो फॉर्मूला था वो उस पर आएंगे। अभी हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, हमें देखना है एवरेज एटॉमिक मास देखना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखना है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम तीसरे फॉर्मूले पर आएंगे, एक दो लॉस पर। ठीक है, क्लियर है, आज की रिकॉर्डेड लेक्चर आई ट्राई कि आज आपको मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं, आपने मुझे नोट्स सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, कल कुछ बच्चों ने भेजा था, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट मेरे को चाहिए कि जितने बच्चे क्लास लगाए हैं सारे बच्चे भेजे। ठीक है, क्योंकि आपकी सीरियसनेस आपके नोट्स बनाने से और आपकी क्लास अटेंड करने से ही मुझे पता लगेगी।